मूवी स्टार्ट होती है और हम बेला नाम की लड़की को देखते हैं। बेला अपने होम टाउन जा रही है और उसके होम टाउन जाने के पीछे उसका एक रीजन है। एक्चुअली बेला के डैड बचपन में काफी अब्यूजिव थे और इस चीज का बदला लेने के लिए बेला अपनी मॉम से बिना बताए जा रही है। खैर फोन करके बेला अपनी मॉम से इस बात को तो बता देती है। वो कहती है कि वो डैड से बदला लेगी। बेला को उसके डैड से एक लेटर आया था लेकिन उसे पढ़े बगैर बेला जा चुकी थी। वो मॉम से लेटर में क्या लिखा था इसके बारे में पूछती है लेकिन उसकी मॉम तो कहती है कि तुम्हें वापस आ जाना चाहिए। कुछ ही समय में बेला जल्द ही अपने होम टाउन पहुंच जाती है। यहाँ पहुंचते ही बेला को टाउन का शेरिफ मिलता है। शेरिफ नए शख्स को देख के बेला से इंटरेक्ट होने की कोशिश करता है लेकिन बेला शेरिफ को कोई भी भाव नहीं देती जिससे शेरिफ यहाँ से चला जाता है। टाउन के अंदर आ जाने पर जब वो एक बार की ओर जा रही थी तो बेला को चार्मर नाम का एक बंदा मिलता है लेकिन बेला उसे इग्नोर करके बार में चली जाती है। बार में आने पर बेला बार कीपर से पूछती है कि अगर उसे किसी को इस टाउन में ढूंढना है तो वो कैसे ढूंढे। बार कीपर उसे फोन बुक को यूज करने की सलाह देता है। अब फोन बुक में अपने डैड को ढूंढने पर जिसका नाम जेम्स CW है उनका पता मिल जाता है। इसके बाद अब जब बेला बियर पी रही थी तो बार कीपर उसे पूछता है कि वो किसे ढूंढ रहा है। बेला इसका कोई भी रिप्लाई नहीं देती लेकिन बार कीपर उसे इस टाउन में द ब्रदर्स से दूर रहने की सलाह देता है। इसी बीच में यहाँ पर एक दूसरा शख्स आके बेला को ड्रिंक ऑफर करते हुए उसे बात करने की कोशिश करता है। इसी दौरान यहाँ पर बेटी नाम की औरत भी आती है जिससे ये शख्स उससे काफी बदतमीजी से बिहेव कर रहा था। बेटी उसे उस लड़की से दूर रहने को कह रही थी लेकिन वो शख्स बेटी को धक्का दे देता है। इसके जवाब में बेटी भी उसे धक्का दे देती है जिससे वो शख्स बेला के ऊपर जाके गिरता है। बेला इससे काफी एंग्री हो जाती है जिससे उसके पास में जो हैचेट था उसे वो निकाल लेती है। इसे देख के बार में सभी डर जाते हैं। अब इसके बाद में बेला सीधे रूट रोड की ओर निकल जाती है। बेला कुछ ही समय में रूट रोड पर पहुंच कर अपने डैड के हाउस पर पहुंच जाती है। अपने डैड के घर पर पहुंचने पर वो डोर पर आके उन्हें बुलाती है लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आता जिससे बेला अंदर जाके उन्हें देखने जाती है। अंदर यहाँ पर काफी ज्यादा उथल पुथल मची हुई थी। उसके डैड यहाँ पर नहीं थे जिसके बाद में वो गैराज की ओर जाती है। अब वो यहाँ देखती है कि उसके डैड को किसी ने पहले से मार दिया है। बेला बिल्कुल ही हैरान है कि आखिर कौन ऐसा कर सकता है। बेला खुद उन्हें मारना चाहती थी लेकिन अब जब वो पहले ही मर चुका है तो बेला कुछ भी नहीं कर सकती। खैर वो बाहर जाके 911 पर कॉल करती है लेकिन इस टाउन में कोई भी नेटवर्किंग नहीं थी। इसके बाद में बेला अब टाउन के अंदर जाके वहाँ के शेरिफ स्टेशन जाती है लेकिन अभी स्टेशन लॉक था। बेला इस बात का पता लगाने बारकीपर से पूछने जाती है लेकिन उसे कोई भी अंदाजा नहीं था कि शेरिफ कब तक आएगा। बारकीपर उसे पहचान लेता है कि वो जेम्स CW की बेटी है और इसके बाद में वो उसे वापस घर जाने को कहता है। बेला अब अपनी मॉम के पास में कॉल करके बताती है कि उसके डैड को पहले से किसी ने मार दिया था। मॉम इससे काफी डर जाती है और वो उसे जल्दी से घर वापस आने को कहती है। बेला जब ड्रिंक कर रही थी तो इस दौरान एक बंदा उसे बार बार देख रहा था। बेला उसके पास में जाके उसे पूछती है कि वो उसे बार बार क्यों घूर रहा है। ये बंदा काफी अजीब था और वो उससे काफी नॉनसेंस बातें करता है। इसी दौरान यहाँ बेटी आती है। वो बेला से कहती है कि उसकी आंखें उसके डैड की तरह हैं। बेला कहती है कि क्या आप मेरे डैड को जानते थे। बेला यहाँ पर जानती थी कहती है जिसे बेटी को शक हो जाता है कि शायद जेम्स के साथ में कुछ गड़बड़ हुई है। अब इसके बाद में बेला जल्दी से वहां से निकलकर शेरिफ स्टेशन जाती है लेकिन शेरिफ अब भी नहीं आया था। बेला के कपड़ों पर काफी ब्लड के दाग लग गए थे जिससे वो इन्हें साफ करने के लिए लॉन्ड्री में जाती है। बेला अपने कपड़ों को धो रही थी और तभी इसी दौरान यहाँ चार्मर आता है। चार्मर काफी चिपकू किस्म का बंदा था। वो बेला से बात करने का ट्राई करता है भले ही बेला उसका कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। चार्मर उस पर काफी चांस मारने का ट्राई करता है। बेला भी उससे कुछ कुछ इम्प्रेस हो रही थी। अब चार्मर को तभी बेला के बैग से हैचेट दिखाई देता है। चार्मर उससे पूछता है कि आखिर किस लिए है। बेला कहती है कि ये उसके डैड की आखिरी निशानी है। चार्मर ने भी अपने पास में एक नाइफ रखा हुआ था जो वो उसे दिखाता है। बेला इस हैचेट को उसे चला के दिखाती है जिससे हमें पता चलता है कि वो इस हैचेट को चलाने में काफी प्रोफेशनल है। अब इसी बीच में बेला की नजर चार्मर की वॉच पर पड़ती है। इस वॉच पर CW लिखा था यानी कि ये बेला के डैड की है। बेला तुरंत समझ जाती है और अब दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। बेला अपने हैचेट से उसे मारने ही वाली थी कि तभी यहाँ पर शेरिफ आ जाता है। वो बेला से कहता है कि कानून को हाथ में मत लो, मैं उसे सजा दूंगा। शेरिफ इसके बाद में चार्मर और बेला दोनों को कार में बिठा लेता है लेकिन अब यहाँ पर बेला को पता चलता है कि ये दोनों भाई हैं और जिस दबरदर्स की बात हो रही थी वो भी यही है। शेरिफ बेला से पूछता है कि वो लेटर कहाँ है। बेला नहीं समझ पाती है कि इस लेटर के बारे में इन्हें कैसे पता है। ये दोनों भाई बेला को जेम्स के घर ले जाते हैं। इन दोनों ने मिलकर ही बेला के डैड को मारा था। जेम्स के पास में काफी सारे पैसे हैं जो उसने कहीं छिपा रखे हैं। उस लेटर की हेल्प से शायद बेला को पता चल चुका होगा लेकिन बेला ने तो लेटर अभी देखा भी नहीं है। शेरिफ बेला को धमकाते हुए उसे पूछता है कि पैसे कहाँ है जिससे अपने बचाव के लिए बेला झूठ बोलते हुए कह देते हैं कि सारे पैसे बाथटब के नीचे रखे हुए हैं। अब दोनों बेला को बांध के पैसों को लेने
के लिए चले जाते हैं, लेकिन वहां बाथ टब के नीचे कुछ भी नहीं था और इधर बेला अपने आप को किसी तरह से छुड़ा के भाग जाती है। यहां से निकल के वो सीधा बारकीपर के पास में जाती है। बेला बारकीपर से यहां द ब्रदर्स का एड्रेस पूछने आई थी। बेला के डैड के बाद बारकीपर को पता चल चुकी थी, जिससे वो बेला से कहता है कि यहां से तुम चले जाओ। वो बताता है कि वो लोग काफी खतरनाक है, लेकिन बेला ने तो अपना मन बना लिया था कि वो उन्हें मार कर ही अपना दूसरा बदला लेगी। अब वो सीधा चार्मर के घर जाती है। चार्मर यहाँ उसके घर पर बेला को देख के काफी शौक था। चार्मर यहाँ भी अपनी बातों से बेला को बहकाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बातों ही बातों में वो बेला पर जब हमला करने वाला था तो वो खुद उसके पेट में स्टैब कर देती है और पीछे जाने की वजह से चार्मर के कपड़े में आग लग जाती है और वो जल के मारा जाता है। बाहर अब शेरिफ आ गया था, जिससे बेला यहाँ से भागती है। वो चार्मर की कार लेके यहाँ से भाग जाती है। शेरिफ उसके पीछे लगा हुआ है, लेकिन बेला उसे चकमा दे के अलग निकल जाती है। बेला शेरिफ से बचने का ट्राई कर रही है और पीछे से बेटी उसे पकड़ लेती है। अब यहाँ बेटी और बेला के बीच में बातें होती हैं। बेटी बताती है कि उसके डैड एक अच्छे इंसान थे, वो उसके लिए ही सारे पैसे जोड़ रहे थे ताकि वो उसे दे सके। बेला बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही थी आखिर ये मामला क्या है, क्योंकि बचपन में ही उन्होंने उसे और उसकी मॉम को घर से बेदखल कर दिया। बेटी कहती है कि ये सब तुम्हारी मॉम की वजह से है, वो खुद उनके साथ में नहीं रहना चाहती थी। बेटी ये भी बताती है कि ये जो द ब्रदर्स हैं, ये दोनों तुम्हारी मॉम के भाई हैं। बेला अब काफी कंफ्यूज हो चुकी है, क्योंकि वो अभी तक अपनी मॉम से यही सुनती आ रही थी कि उसके डैड एक बैड पर्सन है, जबकि सच्चाई तो ये है कि उसके डैड ने कभी किसी औरत को चोट नहीं पहुंचाई। बेटी के पास में बेला और उसके डैड के बचपन की फोटो थी, जो वो बेला अपने पास में रख लेती है। बेला काफी कंफ्यूज है, वो जानना चाहती है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। बेला के डैड के पास में ढेर सारा पैसा था, लेकिन फिर वो हमें पैसे क्यों नहीं देते थे। बेला फोटो को गौर से देखती है और उसे अंदाजा हो जाता है कि पैसे कहाँ हो सकते हैं। बेला अब अपने डैड के घर की ओर जाती है। यहाँ पर पहले से ही बाहर शेरिफ वेट कर रहा था, जिसे चुपके से वो घर के अंदर चली जाती है। बेला घर से गन लेने गई थी, लेकिन इस दौरान उसे कांच की बोतल नीचे गिर जाती है। बेला जल्दी से गन ले लेती है और बाहर शेरिफ अब अंदर आ रहा है। अंदर आके शेरिफ बेला को पकड़ लेता है। बेला को पकड़ के अब वो उसे सारी सच्चाई बताता है। वो कहता है कि तुम्हारी मॉम मेरी बहन है और उसने ही ये सब करवाया है। बेला को कई और भी चीजें पता चलती हैं, जिससे गुस्से में आके अब वो यहाँ से भागने लगती है। भागते हुए वो जल्दी से बाहर जाके हैचेट को निकालती है। शेरिफ उस पर शूट तो करता है, लेकिन बेला ने शेरिफ पर हैचेट फेंक दिया था, जिससे वो मारा जाता है। शेरिफ मर चुका है, जिसके बाद में अब जल्दी से बेला लकड़ी के गट्टे को हटा के उसके नीचे से पैसे निकालती है। इसमें काफी सारे पैसे थे जो अभी तक उसके डैड ने उसके लिए बचाए थे। इसी बीच में उसकी मॉम भी यहाँ आ जाती है और वो यहाँ आके उसके भाई की लाश को देख के हैरान है। एक्चुअली जो लेटर उसके डैड ने लिखा था, उसमें इसी पैसों के बारे में ही लिखा था। मॉम को लेटर मिल गया था, जिससे वो द ब्रदर्स के थ्रू पैसे को निकलवा रही थी, लेकिन बेला के यहाँ पर आ जाने से सब गड़बड़ हो गई। बेला मॉम से पूछती है कि अभी तक उसने ये क्यों नहीं बताया कि उसके डैड बैड पर्सन थे, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। मॉम ने बेला के डैड से पैसों के चलते ही शादी की थी, लेकिन पैसे ना होने पर वो वहां से भाग गई और बेला से हमेशा उसने यही बताया कि वो बुरे इंसान है जिसने हम पर कई बार वायलेशन किया। मॉम कहती है कि उसे डैड की चिंता हो रही है, जबकि उसका अच्छे से ख्याल तो उसने खुद रखा। अगर उसके डैड को उसकी इतनी फिक्र होती तो वो हमारे खर्च के लिए पैसे क्यों नहीं बेचते थे। वैसे मॉम ने बेला के साथ में कोई गलत काम नहीं किया है। एक्चुअली डैड ने पैसे इकट्ठा इसलिए किए थे क्योंकि उसने सोचा था कि सही टाइम आने पर वो बेला को ये दे देगा, लेकिन ये पैसे ही मेन कारण है जो फैमिली में एक दूसरे को कातिल बना देती है। बेला मॉम के ऊपर हैचेट तान के खड़ी है, लेकिन वो उन्हें मार नहीं पाती और उसके बाद में उसकी मॉम यहाँ से निकल कर घर चली जाती है। बेला यहाँ पर अकेली बची थी, उसके पास में पैसे हैं और यहाँ से जाने से पहले वो सभी बॉडीज को दफना देती है। टाउन से जाने से पहले वो बार कीपर और बेटी को भी थैंक्स बोल के जाती है। जब वो बस में बैठी थी तो वो एक बाप और बेटी को देखती है। एक बाप का बेटी के लिए प्यार का रोल एक अलग ही होता है। बेला ने अपनी लाइफ में शायद यही मिस किया और यही कारण है कि वो इतनी वायलेंट हो गई। तो लास्ट में यही पर मूवी का एंड होता है। ये थी 2020 की एक हॉरर थ्रिलर मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है गर्ल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने मूवी का एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।